और इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे का दिखने लगा है असर। बड़ी खबर है, यूक्रेन रूस युद्ध खत्म करने के लिए ज़ेलेंस्की का बड़ा प्रस्ताव। नवंबर तक भारत में शांति शिखर सम्मेलन करना चाहते हैं ज़ेलेंस्की। और पिछले हफ्ते यूक्रेन दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री। और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि उस दौरे का ये बड़ा असर दिखने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन दौरे से वापस आए और उसके एक सप्ताह के भीतर ये बड़ा असर इस वक्त होता दिख रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध करने के लिए ज़ेलेंस्की का बड़ा प्रस्ताव है। नवंबर तक भारत में शिखर सम्मेलन करना चाहते हैं ज़ेलेंस्की। ये एक संकेत है साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे के बाद, जिस तरीके से माहौल अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी अगर सारी बातें सही रही तो भारत के इस मीडिएशन के बाद यूक्रेन और रूस का युद्ध खत्म भी हो सकता है। ज़ेलेंस्की इसके लिए बाकायदा शांति शिखर सम्मेलन हिंदुस्तान में यानी भारत में करना चाहते हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे का दिखने लगा है असर। बड़ी खबर है, यूक्रेन रूस युद्ध खत्म करने के लिए ज़ेलेंस्की का बड़ा प्रस्ताव। नवंबर तक भारत में शांति शिखर सम्मेलन करना चाहते हैं ज़ेलेंस्की। और पिछले हफ्ते यूक्रेन दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री। और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि उस दौरे का ये बड़ा असर दिखने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन दौरे से वापस आए और उसके एक सप्ताह के भीतर ये बड़ा असर इस वक्त होता दिख रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध करने के लिए ज़ेलेंस्की का बड़ा प्रस्ताव है। नवंबर तक भारत में शिखर सम्मेलन करना चाहते हैं ज़ेलेंस्की। ये एक संकेत है साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे के बाद, जिस तरीके से माहौल अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी अगर सारी बातें सही रही तो भारत के इस मीडिएशन के बाद यूक्रेन और रूस का युद्ध खत्म भी हो सकता है। ज़ेलेंस्की इसके लिए बाकायदा शांति शिखर सम्मेलन हिंदुस्तान में यानी भारत में करना चाहते हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। और इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे का दिखने लगा है असर। बड़ी खबर है, यूक्रेन रूस युद्ध खत्म करने के लिए ज़ेलेंस्की का बड़ा प्रस्ताव। नवंबर तक भारत में शांति शिखर सम्मेलन करना चाहते हैं ज़ेलेंस्की। और पिछले हफ्ते यूक्रेन दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री। और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि उस दौरे का ये बड़ा असर दिखने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन दौरे से वापस आए और उसके एक सप्ताह के भीतर ये बड़ा असर इस वक्त होता दिख रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध करने के लिए ज़ेलेंस्की का बड़ा प्रस्ताव है। नवंबर तक भारत में शिखर सम्मेलन करना चाहते हैं ज़ेलेंस्की। ये एक संकेत है साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे के बाद, जिस तरीके से माहौल अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी अगर सारी बातें सही रही तो भारत के इस मीडिएशन के बाद यूक्रेन और रूस का युद्ध खत्म भी हो सकता है। ज़ेलेंस्की इसके लिए बाकायदा शांति शिखर सम्मेलन हिंदुस्तान में यानी भारत में करना चाहते हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।